देश भर के डॉक्टर्स एनएमसी बिल 2019 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर नेशनल मेडिकल कमीशन लाने के सरकार के फैसले पर डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के एम्स से लेकर देश भर के डॉक्टर्स एनएमसी बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को एनएमसी बिल के खिलाफ दिल्ली के एम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जहां कई डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन गरीब छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई करने से रोकने की साजिश है। साथ ही सरकार इस बिल को लाकर मेडिकल के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर्स इस बिल के कई प्रावधानों से नाखुश हैं, जिसके चलते डॉक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं। ये एनएमसी बिल बिल्कुल पूरे तरह से जो है ये गरीबों के खिलाफ है, ये गरीब इंसान के खिलाफ है और ये ट्रीटमेंट को, पेशेंट केयर को बहुत बहुत महंगा कर देगा, इसीलिए हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स का आरोप है कि इस बिल में जो प्रावधान रखे गए हैं, उनके हिसाब से मेडिकल की पढ़ाई का स्तर काफी गिर जाएगा, क्योंकि इसमें प्राइवेट संस्थानों को काफी तरजीह दी गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिनमें डॉक्टर्स की प्रैक्टिस को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जैसे एनएमसी बिल अगर लागू होता है तो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स एक शॉर्ट टर्म ब्रिज कोर्स करने के बाद एलोपैथी के डॉक्टर्स की तरह ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनएमसी बिल को लाने के बाद सरकार एमसीआई यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को पूरी तरह से खत्म कर देगी। सरकार एनएमसी बिल को पास कराने की कोशिश पिछले साल से ही कर रही है। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।